जी नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पर, और इस एग्ज़ाम सेंटर पे क्या दिक्कत है और बच्चे इधर उधर भाग दौड़ में बिता रहे हैं और दिक्कत क्या है। मैं यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स और अभ्यर्थी हैं जो कि मैं उनसे बात करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? एम डी शादी का जी नाम है, शादी का नाम है मेरा। क्या दिक्कत है आपके पे? दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ जो बच्चे को भेजा गया है सेंटर पर, सेंटर पर बदमाशी कर रहे हैं लोग कि ये पूरा आधार कार्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इससे पहले एडमिट कार्ड पे इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि इस तरह सिस्टम में आना होगा। अच्छा, यहाँ आने के बाद आधार कार्ड तो अनिवार्य है। हाँ, वो है, लेकिन और इनको अब क्या इस तरह का आधार कार्ड चाहिए, ये हम लोगों को गार्जियन को पहले खबर होने चाहिए। एडमिट कार्ड में अलर्ट करना चाहिए था। क्या मांग रहे हैं? पोस्ट ऑफिस वाला, पोस्ट ऑफिस से जो आधार कार्ड आता है ना, वही मांग रहा है कि पोस्ट ऑफिस वाला ही आधार कार्ड चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? आधार कार्ड तो सब आधार कार्ड है। तो वही तो हम लोग भी बोल रहे हैं ना, आधार कार्ड तो सब आधार कार्ड है। क्या क्या एंट्री नहीं करने दे? आधार कार्ड ही चाहिए, कोई भी आईडेंटिटी, कोई भी एक फोटो युक्त प्रमाण पत्र चाहिए, तो उनको मानना चाहिए। सिर्फ आधार ही मांग रहे हैं। जनरल में क्या होता है कि हर जगह आधार कार्ड ही मांगा जाता है। जनरल में पैन कार्ड हुआ, वोटर आई कार्ड हो, बाकी पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सेकेंडरी मैटर आ जाता है। मेन आता है आपको आधार कार्ड। आधार कार्ड लोग लेके गया, टोटल लोग लेके गया तो नहीं, ये स्कैन किया हुआ नहीं, पोस्ट ऑफिस से जो घर पर आपको आया हुआ है लंबा वाला। अच्छा, अच्छा, बिना कटिंग किए तो उसमें भी पोस्ट ऑफिस से जो आया उसमें भी तो ऑप्शन दिए हुआ है कटिंग करके आप छोटा कर लीजिए। तो क्यों भी बेचारे लोग क्लब क्लब के रो रहा आ रहा जा रहा, टाइम निकलते चला जा रहा है, लेकिन प्रशासन को सोचने में नहीं आ रहा है कि कैंडिडेट कहाँ से आए। कोई मुथियारी से आया, कोई बेतिया से आया, कोई मुजलिया से, कोई समस्तीपुर से लोग आया, सबको परेशान किया जा रहा है। जी जी, परेशान किया जा रहा है, अंदर नहीं जाने 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 नहीं, कहाँ से भगा दे रहा, जाइए दूसरा आधार कार्ड लाइए या ओटीपी मंगवाइए। या बोलिए तो नया नया आदमी कैंडिडेट, क्या कौन सी नियम हो गया कि ओटीपी चाहिए? अब ओटीपी तो बाद आपको मानिए कंफ्यूजन है तो आप थंब से चेक करिए, वहाँ का आपके कंप्यूटर पर नहीं शो करता है। तब कहीं नंबर बंद हो गया होगा तो कहाँ से ओटीपी? यही चीज ये प्रशासक को सोचना, कॉलेज मैनेजमेंट जो अंदर इन कर रहा है, जो इंक्वायरी कर रहा है, ये चीज़ उसको सोचना चाहिए। यहाँ तो कोई सोच नहीं। आप बताइए, कैंडिडेट इतना ठंडा में कनकनी में 2 बजे रात में घर से चला। आप कहाँ से आए हुए? हम तो मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से जी। बहुत सारे अभ्यर्थी जहाँ तहाँ का है ना, हर जगह का, दरभंगा, बेगूसराय, हम सीतामढ़ी से हैं। कहाँ से हैं आप? मोतिहारी से हैं भैया। मोतिहारी से, हर जगह का बताइए। पुपरी से। ओ, देख रहे हैं आप कि किस तरह का यहाँ सेंटर पे धांधली हो रही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर सीटेट को संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस तरह का धांधली नहीं हो। अगर वो फॉल्स है आधार कार्ड, तब आप इन नहीं करने दीजिए। आधार कार्ड तो ओरिजिनल हर जगह दूसरे सेंटर पर लिया गया। पिछली बार जो एग्जाम हुआ सीटेट का तो दूसरे सेंटर पर लिया गया, यहाँ लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहा है। अब बताइए कहाँ से लाएगा कैंडिडेट, आप ही बताइए। ऐसा क्लियर फोटो है कि आप एडमिट कार्ड के फोटो से चेहरा मिला सकते हैं कि ये कौन है। बहुत इतना क्लीन फोटो है, कह सकते हैं कि यहाँ सेटिंग है? नहीं, ये बात हम कैसे कह सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। ये तो माननीय प्रशासक ना सोचे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं होना चाहिए। आप माननीय, बहुत कैंडिडेट ऐसा है जो पैन कार्ड भी नहीं लाया। जी जी, बहुत सारा कैंडिडेट पर खाली आधार कार्ड लेकर आया, अब उसको किया जा रहा। आप देखिए दौड़ते हुए बच्चिया सब दौड़ के जा रही है कॉलेज में, वहाँ से फिर यहाँ आँख में आंसू आ रहा, सब दौड़ था यहाँ ऊपर नीचे कर रही है। बहुत आदमी का लिंक नहीं पहुँचेगा, समय खत्म हो गया, एग्जाम क्या लिखेगा। जी जी, सही बात है। बच्चे को मतलब मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सीटेट के पास पहुँच सके और इस पर संज्ञान लेना चाहिए उनको। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। धन्यवाद।